एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण विषय, बिहार राज्य के मधुबनी जिला में भवानीपुर में उगना महादेव मंदिर का रहस्य क्या है, आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। कहा जाता है विद्यापति मैथिली भाषा के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव प्रसन्न होकर उगना के रूप में उनके घर पहुँचे और उन्होंने कहा, मुझे काम की ज़रूरत है। गरीबी होने के कारण विद्यापति ने पहले असमर्थता दिखलाई, बाद में उन्हें दो वक्त की रोटी पर रख लिया गया। कुछ समय के पश्चात विद्यापति और उगना राज दरबार की ओर प्रस्थान किए। कुछ दूरी चलने के पश्चात उन्हें प्यास लगी और कहीं पानी नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने उगना से कहा, जाओ पानी लेकर आओ। कुछ दूरी जाने के पश्चात उगना अपने जटा से पानी लाकर उन्हें पिलाया। विद्यापति को एहसास हुआ कि यह पानी गंगा जल है और उगना स्वयं भगवान शिव हैं, और उन्हें गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और कुछ समय के पश्चात दोनों घर लौट आए। उगना से एक गलती हुई, तब विद्यापति की पत्नी उन्हें मारने के लिए दौड़ी। तब विद्यापति ने कहा, मूर्ख, ये भगवान शिव हैं। और इस बात को सुनकर भगवान वहाँ से चले गए। बाद में विद्यापति उन्हें खोजने के लिए चले। जंगल में बार बार भगवान शिव की याद कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरा राज सभी लोग जान गए हैं, इसलिए मैं आज से प्रतिमा के रूप में यहीं स्थापित हो जाता हूँ। इस तरह से कहा जा सकता है कि बिहार राज्य के मधुबनी जिला के भवानीपुर नामक स्थान पर उगना महादेव मंदिर का यही रहस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।